द इंडियन खबर, सच आपके सामने। पर आजमगढ़ है और आजमगढ़ में फिर से एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रही है और समाजवादी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने बैलेट को पकड़ा है। उनका यह मानना है कि बैलेट पकड़ा गया। अब यहां पर जो है आजमगढ़ विधानसभा है, यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी का मामला सामने आया जिसपे एसपी डीएम दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया और फिलहाल आजमगढ़ में है तो लोगों यहां पर जो है 10 विधानसभा सीटें हैं और सपा का ये मजबूत गढ़ है। तो यहां पर जिस तरह से कहा जा रहा है, पीआरओ कह रहे हैं कि अनयूज्ड बैलेट इधर से उधर हुआ है, तो लोगों से जानते कि आखिर क्या मामला है और किस तरह से चुनाव जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जिसको लोग बड़े इज्जत के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम और बैलेट पेपर अब सवालिया निशान के कटघरे में खड़ा है और लोग जो है अब इलेक्शन कमीशन हो गया या किसी पर जो हो गया अब भरोसा करने के पक्ष में नहीं है। यहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी है वो आ चुके हैं आजमगढ़ के, मगर यहां पर जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है और प्रदर्शन में लगातार जो है लोग बैठे हुए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं और लोग जो है कह रहे हैं कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि वाराणसी की तस्वीर भी सामने आई है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए कुछ साथियों से जुड़ेंगे और पूछेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है और किस तरह से क्या हुआ, क्या मुद्दा है, किस तरह से। सर हम ये कहना चाहते हैं, सातवें चरण में आप चुनाव हो गया, लेकिन आज कल पोलिंग होना है यहाँ पे, मतलब कि गिनती होना है, काउंटिंग होना है। कब पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? अभी एक घंटे पहले ठीक, जब काउंटिंग कल होने वाला है तो यहाँ पे सादा बैलेट पेपर आना नहीं चाहिए, पहली बात। अच्छा, ठीक है ठीक है। उसको जहाँ जमा करना है और भी जगह है जमा करने के लिए, हम लोग की ये डिमांड है बस। अच्छा, तो सादा बैलेट पेपर पकड़ा गया उसी को लेकर सारा ये? जी 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 जी। ठीक है, तो इससे पहले वाराणसी पकड़ा गया, अभी यहाँ पकड़ा गया, तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन को? सर भाजपा की सब राजनीति है, साजिश है, साजिश है जी है सर जी। इसी वजह लोकतंत्र का हनक, लोकतंत्र की हत्या आप जी हत्या कर रहे हैं लोग। तो क्या लग रहा है कि क्या जीत रहे थे आप, इसलिए आपको हराने? जी हम लोग जीत रहे थे, इसी वजह से लोग हराने के लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। हम लोग आजमगढ़ की सपा गढ़ है, हर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, इसलिए जो है की गलत तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जहाँ मतदान हुआ है वहाँ खाली पर्ची की जरूरत क्या है? अच्छा। तो क्या लग रहा है, कौन करा रहा है ये सब? भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी चुनाव हार रहे हैं और समाजवादी सरकार आ रही है, 10 तारीख को आएगी कल। और जो प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है उसका जवाब समाजवादी सरकार बनने पर दिया जाएगा। केवल समाजवादियों को नर्वस किया जा रहा था कि लोग घर सो है। एग्जिट पोल कर रहे थे, एग्जिट पोल ये साले जितने एग्जिट पोल सब मादर चोद है, बहुत सारी बात। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है और कल एग्जिट पोल जो बंगाल में हुआ था उत्तर प्रदेश में होगा और समाजवादी सरकार आएगी। आप यहाँ पर पूरा मौजूद थे? जी मैं जब यहाँ आया कुछ लोग निगरानी में लगे थे, मैंने उनका हौसला बढ़ाया कि एक भी गाड़ी जो भी अंदर जा रही है या अंदर से बाहर आ रही है उसका पुर्जा चेक होना चाहिए। और प्लानिंग के तहत आजमगढ़ के डीएम साहब अपने आरओ को भेजते हैं 10 मिनट के लिए, उसी समय लाइट काट दी जाती है, एक गाड़ी आती है, जैसे ही हमारे लड़के चेक करना शुरू करते हैं आरओ उतर करके भाग लेते हैं अंदर की तरफ। और जब हम चेक करते हैं तो लड़का कहता है जो लिया हुआ था बैलेट पेपर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब हम पकड़ लेते हैं उसको तो छीना शुरू कर देता है। उससे पूछा गया क्यों सादा बैलेट पेपर लेके अंदर जा रहे हो, तो कह रहा कि बचा हुआ था, लेकिन ये लोग घपला करवाने के लिए डीएम साहब आजमगढ़ उसको विधिवत प्लानिंग के तहत अंदर भेजे हुए थे। अच्छा, ये लोग क्या कितने बजे क्या लगा, अभी क्या परिस्थिति है, क्या अभी डेवलपमेंट है उसमें? डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में मोदी जोगी शाह के पास जमीन खिसक गई है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करके इस देश में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, इस देश के संविधान को नष्ट करना चाह रहे हैं, इस देश में राजशाही सिस्टम संविधानी सिस्टम लाना चाह रहे हैं। जनता हम समाजवादी इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देंगे, हम इनकी कुर्बानी लेंगे। क्या कब जब यहाँ पर पकड़ा गया था वो बैलेट पेपर अनयूज, तो आप वहाँ पे मौजूद थे? यस सर क्या कैसे? सभी लोग मौजूद थे और ये प्रक्रिया दिन भर चलती रही, इनकी गाड़ी आके वापस चली जाती थी, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने मौका पाया जब जो लाइट को ऑफ करके तुरंत गाड़ी घुसाया, लेकिन हमारे समाजवादी इतने मुस्तैद थे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही
अंदर जाने के लिए, और यारो साहब गाड़ी छोड़कर भाग गए, और जब हम लोगों ने चेक किया तो ये मिला कि इसमें सादा बैलेट पेपर मिला है। देखिए एक क्लियर है, मोदी और योगी एक नंबर के बेईमान है और भ्रष्ट है। मौके में मिल जाए तभी गिरा के कटाएंगे साले सब। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये चुट्टा सरकार चुट्टा है योगी। अगर ईमानदार होता तो निष्पक्ष चुनाव करा के जीतता। ईवीएम और बैलेट पेपर कहाँ से आ रहे हैं आप बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? चुनाव चुनाव हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद बैलेट पेपर और ईवीएम कहाँ से आ रहे हैं आप बताइए? मैं बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए लोग भैया जो हमें ये बी एड का जितना छात्रवृत्ति 52,000 रहा फिर 35,000 मिला तेरा लोग खा गए ना कुल। फिर बात नहीं हम कह रहे हैं कि अगर गलत नहीं है यहाँ के डीएम डीएम एसडीएम गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं? जब कल गिलती होनी है तो डीएम एसडीएम क्यों गाड़ी ले जा रहे हैं? अनुदान खा गए कि अगर गलत नहीं है तो क्यों ले उसकी जाँच करा के 100 रुपया गल्ला पे नहीं चलेगा, यहाँ पे भगवो की राज नहीं चलेगा। ये तो लगातार उत्तर प्रदेश का चुनावी कवरेज बड़ा उत्तल पुत्तल के साथ चल रहा है, क्योंकि कहीं वाराणसी में ईवीएम पकड़ा जाता है तो कभी अलीगढ़ में जो है यहाँ आजमगढ़ में अनयूज बैलेट पकड़ा जा रहा है। आरओ का कहना है कि अनयूज बैलेट वापस लिया जा रहा था, मगर उसके पीछे क्या सच्चाई वो देखना होगा। वैसे वाराणसी के डीएम और एसपी का तब सस्पेंड कर दिया गया कुछ दिनों के लिए, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव होता है और उस चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर कई सारे सवाल उठ जाते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं होती। लगातार ईवीएम पकड़े जा रहे हैं, सोनभद्र में पकड़ा गया बैलेट पेपर, फिर उसके बाद बरेली में पकड़ा गया, मगर किसी तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव व्यवस्था पर सवाल जरूर उठ रहे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।